देखो जी, मैं आप सबके लिए बनाने लगी हूँ चटनी। आपको दिखाने लगी हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, बट मैंने सोचा चटनी बन रही है तो आपको बता दूँ। देखो जी, हम जब भी चटनी खानी है ना, ऐसे खानी है। देखो जी, ये खूब सारा इसमें मैंने रखा है पुदीना। सबसे पहले आपको पुदीना ले लेना, अच्छा एक बंच पुदीना, कड़ी पत्ता खूब सारा, ये अदरक का टुकड़ा इतना ज़रूर लेना है, लहसुन लेना है, और खूब सारा धनिया, और दो तीन हरी मिर्ची जो भी आपके स्वाद के अनुसार है। नमक तो आप डालेंगे डालेंगे कंपलसरी इसमें। और मेन चीज़ इसमें क्या डालनी है, ये अनारदाना। अनारदाना आपको कहीं भी मिल जाएगा, सूखा हुआ अनारदाना राशन की दुकान पे। ये कितना डालना है, एक चम्मच जितना इसमें, क्योंकि ये खटास दे देता है और ये हेल्थ से भरपूर है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है अपने शरीर के लिए। मेडिसिन जो ताकत होती है वो होती है इससे, बहुत सारी शरीर की, बोलते हैं ना एक अनार तो 100 बीमार। ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा ऐसे। कितना, एक हाथ से कर रही हूँ वीडियो, देखो जी एक चम्मच जितना इसमें हम अनार दाना डालेंगे। जितना आप खट्टा खाते हैं आप सेहत के हिसाब से जितना स्वाद खा सकते हैं, मेरे हिसाब से मैं इतना डालूँगी, एक चम्मच जितना। ये देखो जी, पहले इतना डाल के देखेंगे अच्छा लगेगा, खट्टा कम होगा तो और डाल देंगे। तो ये अनार दाने वाली चटनी आपको खानी है। ये मेडिसन जो बनती है ना, मेडिसन चटनी इसको बोलूँगी मैं। लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता, पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची, इसको मिक्सर में अच्छे से इनको धो लेंगे। धोने के बाद नमक डाल के मिक्सर में इसको चटनी जैसा ग्राइंड कर लेंगे। और एक एक चम्मच आपको डेली खानी है, हर खाने के साथ में। दोपहर के खाने के साथ एक चम्मच, रात को भी एक चम्मच खा लीजिए, नहीं तो दिन में एक बार आपको ज़रूर खानी है। ये जो है चटनी बनेगी ना, इससे बहुत फ़ायदे हैं। मैं बहुत सारे गुरु सुनती हूँ जो डाइट के बारे में बताते हैं, बहुत सारे जो सेहत वाले डॉक्टर होते हैं ना, देसी डॉक्टर, वो बोलते हैं, जो मुस्लिम गुरु मैंने बहुत सारे सुनती हूँ, वो हर वीडियो में अपने यही बताते हैं कि आपको सब्ज धनिया, पुदीना और अनार दाने वाली चटनी खानी है अदरक डाल के। ये उनके गुरुओं ने बोला हुआ है कि ये डेली खाना है। मैं काफ़ी सुनती हूँ, बहुत बार बनाती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी अनार दाना नहीं मिलता। आज अच्छा अनार दाना मिल गया तो मैंने कहा चलो चटनी बनाने लगी हूँ तो आप लोग को शेयर कर दूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ घर पे आपको ऐसी चटनी बनानी है। ये सब चीज़ें, ग्रीन जितनी चीज़ें अपने अंदर जाती हैं तो अपनी सेहत बहुत अच्छी होती है। एक चम्मच भी हम डाल देंगे ना अपने खाने में तो हमारी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। पेट के कई विकार कम हो जाएंगे, बॉडी की कई दर्दें कम हो जाएंगी, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा ये चटनी, ऐसी मेडिसिन चटनी खाने से। मेरी खाने की विसल बज रही है, सॉरी डिस्टर्ब होता है, बट ये मैं चटनी बनाने लगी हूँ और पीसने के बाद आपको दिखाती हूँ। आप ज़रूर अपने घर पे खाइए, बनाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। इन चीज़ों को खाने के लिए आलस नहीं करना है कि हम कौन बनाएंगे चटनी। आपको नहीं पता कि इन चीज़ों में क्या फ़ायदा है। ये मीठा नीम इसको बोलते हैं, कड़ी पत्ते को। इसको हमको अपने अंदर कच्चा खाना बहुत ज़रूरी है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। पुराने ज़माने में घी में कड़ी पत्ता डाल देते थे, कभी मैं डिटेल में बताऊँगी आपको, क्योंकि घी हम खाते हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम ना हो तो उसमें कड़ी पत्ता डाल के रखते थे कि उसकी जो घी से जो हमको प्रॉब्लम भी होंगी ना तो वो भी नहीं होंगी। इसका मैं कभी वीडियो अलग से बनाऊंगी, घी में क्यों डालते थे, अभी याद आ गया तो आपको बता दिया। तो ज़रूर जी, चलो जी बनाओ, पत्ते ये सब लाओ अपने करस और चटनी बनाओ और फिर मुझे बताओ। अब मैं इसको पीस के फिर आपको बताती हूँ कैसी बनती है चटनी। देखो जी, अनार दाने वाली चटनी बन गई, ऐसे देखो दाने दिख भी रहे हैं, बहुत टेस्टी, बहुत सुपर बनी है जी। ये देखो जी, मैं खाने वाली हूँ अभी मेरा लंच, खिचड़ी, सब्जियों वाली खिचड़ी और साथ में ग्रीन चटनी, तो हमारी भरपूर इसमें सब कुछ हमको मिल गया। इसमें देखो मटर भी डाल दिए, शिमला मिर्ची भी डाल दी, थोड़े आलू भी डाल दिए, गाजर भी डाल दिए। ये हेल्दी डाइट नाम की खिचड़ी होती है, लेकिन बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं तो यही खाती हूँ, आप सबको भी यही रिकमेंड करती हूँ। ऐसी वाली डाइट खाइए तो आपको हजम करने की तकलीफ नहीं होगी, सेहत अच्छी हो जाएगी। ऐसी चटनी बनाइए और खाइए। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, बाय बाय।